नमस्ते साथियों, जय हिंद। मैं आपको बता दूं कि शिक्षक बहाली पर दो तीन प्रमुख बिंदु जिसकी चर्चाएं लगातार हो रही है और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताते चले कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग और TRE2 में जो जिसका एज खत्म हो गया है, जो 10 वर्ष की उम्र की छूट की मांग कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर, उसको लेकर लगातार जो उपापों की स्थिति है सबको लेकर आज बिहार के डिप्टी CM श्री सम्राट चौधरी से शिक्षक अभ्यर्थी मिलने वाले हैं और लगभग आपको बताते चले कि उनकी मुलाकात 11 बजे के आसपास होने को है। तो सारे बिंदुओं पर अगर हम चर्चा करेंगे तो इतना जरूर है कि BPSC द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, अभी तीसरे फेज के बहाली की प्रक्रिया की जो शुरुआत है, यानी परीक्षाएं जो है 15 मार्च से शुरू होने वाली है। दो तीन परीक्षा जो है कैंसिल हो गई थी, फिर उसको डेट एक्सटेंड कराया गया है और अप्रैल माह में उसको लेने की बात की जा रही है। क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE2 में नहीं आना चाहिए था? क्या 10 वर्ष की उम्र की छूट नहीं दी जानी चाहिए थी? आपको बताते चले कि TRE1 में सभी लोगों को मौका मिला, STT अपियरिंग, CTT अपियरिंग, DLED अपियरिंग, नियोजित शिक्षक, फ्रेश कैंडिडेट। तो BPSC 3 में जो TRE2 में दूसरे फेज की बहाली की जो प्रक्रिया है और उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो शिक्षक अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन चल रहा था, कभी BPSC गेट के पास, कभी गर्दनी बाग धरना स्थल पर 2 दिवसीय, 3 दिवसीय, 4 दिवसीय, और कहीं ऐसा कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर महागठबंधन के नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हो, या NDA के तमाम बड़े नेता चाहे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सुशील कुमार मोदी और सभी लोगों के पास, छोटे मोटे कई हजारों संख्या में जो कार्यकर्ता हैं उस बात को मानते थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो आना चाहिए। तो क्या आज पुनः बिहार में NDA की सरकार है, JDU और BJP दोनों के प्रमुख, दोनों दलों के प्रमुख नेताओं की ये जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर मुख्यमंत्री जी को बताया जाए, मुख्यमंत्री जी को समझाया जाए कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आना चाहिए? जिन लोगों का, जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का उम्र खत्म हो गया, तीसरे फेज के बहाली की प्रक्रिया में नहीं बैठ रहे हैं, क्या उनको कम से कम मिनिमम कटअप को पार करना नहीं चाहिए था? अगर मिनिमम कटअप को पार कर लिए हैं तो क्या पूरक परिणाम नहीं जारी होने चाहिए? अब पूरक परिणाम कोई एक्स्ट्रा रिजल्ट नहीं है, पूरक परिणाम उन्हीं बाकी सीटों को लेकर जो शिक्षा विभाग ने 14,700 पदों की सूची BPSC को भेजी थी। 3 जनवरी के आप पोस्ट को देखेंगे, 3 जनवरी का जो सूचना है, जो नोटिस है शिक्षा विभाग से, वो गया और BPSC चेयरमैन ने स्पष्ट किया कि VR प्रिपेयरिंग फॉर द सप्लीमेंट्री रिजल्ट, यानी हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या 14,700 पदों को बचाकर तीसरे फेज में जोड़ने की बात वो कर रहे हैं और लगातार क्रेडिट लेने की होड़ मची है कि हमने महागठबंधन की सरकार के, हमने शिक्षकों की नियुक्ति की, हमने, बात बिल्कुल सही है कि शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, 3 महीने में लगभग 2 लाख शिक्षकों की बहाली इस प्रदेश में हुई है। आज कई मुद्दे हैं जिसको लेकर महागठबंधन की सरकार हल नहीं कर पाई, आज NDA की सरकार को हल करने के लिए हम लोग विवश कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1, दूसरा 10 वर्ष की उम्र की छूट मांगनी चाहिए थे 2, और जो अपियरिंग की मांग थी वो खत्म हो गए तीसरे फेज की बहाली में, परंतु STT की परीक्षाएं अब मार्च महीने में ही होनी है, कब होनी है या आगे बढ़ेगा इसकी अभी कोई सूचना नहीं है। तो सारे चीज़ों पर अब बिंदुवार अगर चर्चा करेंगे तो इतना जरूर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में TRE1 में लगभग दर्जनों याचिका कोर्ट में दायर हुई है और TRE2 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर हम लोग याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अभी भी बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट 14,700 पदों पर जो मल्टीपल रिजल्ट था, जिनका डाटा शिक्षा विभाग ने BPSC को भेजा, सभी पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। परंतु विडंबना यह है कि 1 महीना से बीत गया, कोई अभी परमानेंट चेयरमैन BPSC को नहीं मिला है, इसलिए जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी भी BPSC के परमानेंट चेयरमैन की नियुक्ति करें ताकि जो भी समस्या है सप्लीमेंट्री रिजल्ट और 10 वर्ष की उम्र की छूट और तीसरे फेज की बहाली की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाए और सारे बिंदुओं पर आज चर्चा होने दीजिए। सम्राट चौधरी से मुलाकात की संभावना है साथियों। सप्लीमेंट्री रिजल्ट और 10 वर्ष की उम्र की छूट, यानी जो तीसरे फेज की बहाली में मौका नहीं मिला था, कम से कम उनको चौथे फेज की बहाली में बैठने का मौका मिले, इन सारे बिंदुओं पर चर्चाएँ हो रही है और सम्राट चौधरी से मुलाकात अगर होती है तो फिर आपको हम बताएंगे कि आगे क्या होने है, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि कई मर्तबा सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और सुशील मोदी से मुलाकात के बावजूद भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जो लापरवाही बरती गई, जिसको मटियामेट किया गया, सारे बिंदुओं पर अंतिम विकल्प के रूप में माननीय उच्च न्यायालय जाना होगा, लेकिन उसके पहले जो भी प्रयास है
हम लोग की तरफ से चल रहा है साथियों। इसलिए प्लीज़ आप लोग घबराएं नहीं, आपके साथ हम खड़े हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में TRE1 में जो केस दर्ज हुआ है उसके अलावा TRE2 में भी केस दर्ज होगा। आप घबराएं नहीं, आपके साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं साथियों। धन्यवाद। जय हिंद।